हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 48 हमें दे रखा है, अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो 1 के, तो प्रूफ करो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल होगा 1 के। ये बात हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो जो गिवन पार्ट है, सबसे पहले उसे लिखते हैं। हमारे पास है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर वाले थीटा है इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब हमारा फॉर्मूला होता है, देखो मैं फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, क्लियर। तो यहाँ लिखा मैंने साइन थीटा और इसकी जगह रिप्लेस कर दिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। इसके बाद मैंने लिया टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर लगा दिया। साइन स्क्वायर थीटा इधर भी स्क्वायर लगा दिया, कॉस स्क्वायर थीटा है इस पर भी क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। या फिर ऐसे ले लो, साइन थीटा था ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया। पावर 2 है, ऊपर भी 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितनी हो जाएगी, पावर 4 थीटा। तो ये तो निकल गया आ गया, बट हमें 1 और कॉस स्क्वायर भी तो चाहिए। अगेन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। ये इक्वल होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा की, ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस की पावर 4 थीटा दे रखा है, माइनस का है दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो ऑलरेडी यहीं पे था ही, माइनस का था इधर, एक प्लस का ये ऑलरेडी था ही, और ये मैं क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 49 बोला विदाउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ नहीं करना है और पूरी वैल्यू के हमें आंसर बताना है कि ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका देखो, सबसे पहले जो इसमें बेसिकली फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं वो लिख देता हूँ मैं। हमें यहाँ पे दे रखा है 1090 माइनस थीटा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा कॉट थीटा, ठीक है। दूसरा हमें दे रखा है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला इसमें साइन का लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो स्टार्टिंग के अंदर ये 3 फॉर्मूले तो लग ही रहे हैं, इनके अलावा कोई और लगेगा तो वो मैं वो भी यूज़ करूँगा, ठीक है। तो कॉट थीटा मैंने एज इट इज रहने दिया, यहाँ पे 1090 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के, तो ये कॉट थीटा आ गया। सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसैक थीटा के, ये कॉसैक थीटा ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है ही। प्लस अब यहाँ पर साइन 65 आ रहा है, यहाँ पे 25 आ रहा है, अब इन दोनों को कैसे करना है। अगर इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ रहा हो तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, तो या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करना है, मैं इसको ले सकता हूँ 65 को 90 माइनस में 25, माइनस करने पे कितना आएगा 65 आएगा, दोनों में से एक को चेंज करना, दूसरे को रखना एज इट इज़, साइन स्क्वायर 25 आ गया। इसी तरीके से इसके जो नीचे वाला पार्ट है अंडर रूट 3 यहाँ पे दे रखा 10 5 10 85, दोनों का जो समारा वो 90 डिग्री आ रहा है, दोनों में से किसी को चेंज कर दो। मैं इसको चेंज कर देता हूँ 1090 माइनस में 85, 90 में से 85 जाएगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और पीछे वाले नंबर को एज इट इज़ रहने दो। इसके बाद का स्टेप क्या होगा, पावर 1 पावर 1, पावर कितनी हुई 2, पावर 1 पावर 1, पावर कितनी हुई 2। साइन स्क्वायर, अब इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के, ठीक। तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, कॉस स्क्वायर दे रखा तो स्क्वायर एज इट इज लगा दो, थीटा जो भी हाई एंगल होगा वो आ जाएगा। यहाँ कितना दे रखा है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस अंडर रूट 3 एज इट इज आ गया, 10 है, 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट के अंदर, कॉट थीटा जो इसके साथ होगा 85, यहाँ पे कितना दे रखा है 10, 85 हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला एक और ये भी होता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, अगर दोनों का थीटा सेम हो तो दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, क्लियर। और एक फॉर्मूला और होता हमारा, फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। हमें यहाँ पे कॉट माइनस कॉस दे रखा, कोसेक दे रखा है, तो हमें इनको चेंज कर लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला था वो हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस वाला था वो हो जाएगा माइनस का, माइनस कॉमन लेने से, इन दोनों से ही कॉमन लिया मैंने खाली। इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल 1 होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर अंडर रूट 3
कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, दोनों का एंगल सेम हो तो कितना होगा, मल्टीप्लाई वन होगा उनका। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन प्लस वन अंडर रूट थ्री, माइनस का वन प्लस अंडर रूट थ्री आया निकल गई, ठीक है, वन में से वन माइनस कर दिया तो हमारा फाइनली आंसर क्या होगा, अंडर रूट थ्री होगा। हमने विदाउट ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज़ कर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसी के साथ हमारा 49 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।